ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू वॉनिक। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी के साथ आज दोबारा टाइम एंड वर्क का वो सेम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लाए हैं जो कि बहुत ही ऑसम एंड स्मार्ट हैं। ठीक है, तो क्या है वो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, वो एक बार हम उसे क्या करते, एक बार रिपीट कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ इसे डिस्क्राइब करूंगा। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट डे का वो कॉन्सेप्ट क्या था। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन भी आया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर, कि अगर दोनों मिलके इस काम को करते हैं तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी कराए थे उस पर। तो वो क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर जैसे कि मैं देखूँ कि अगर ए किसी वर्क को एक्स डेज में और बी जो है वो वाई डेज में करता है, तो मैंने टाइम टेकन के लिए निकाला था कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, वर्क डन करेगा, तो 1/x पार्ट, और बी के लिए कितना होगा 1/y। मैंने दोनों को क्या किया था, ऐड कर लिया था, तो दोनों को ऐड करने से हमें मिला क्या था, एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। बट ये क्या है, वर्क है, कि हमारा इतना पार्ट वर्क डन हुआ, इसलिए टाइम टेकन अगर हमें निकालना है तो इसे जैसे मैंने क्या बोला कि एक्स डेज को इन्वर्स किया तो 1/x पार्ट हो गया, तो आप पार्ट को अगेन इन्वर्स कर लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन का टाइम आ जाएगा कि कितने आवर्स में या कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मैंने बताया भी था कि ये जो एक्स इंटू वाई है वो क्या होता है, ये होता है एलसीएम ऑफ गिवेन नंबर्स। क्योंकि ये x इंटू वाई कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये x इंटू वाई बना कैसे, जब x और y का एलसीएम लिए होंगे फ्रैक्शन एडिशन में बनाने में, तभी ये x इंटू वाई बनकर आया है। अब अगर हम ये बात करें कि ये x प्लस वाई क्या है, तो ये जो है वो इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स है, काम करने वाले लोगों की क्षमता, इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स। आप हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि हम जो एलसीएम निकालते हैं वो एलसीएम ही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है, एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। लेकिन आखिर वो कौन से नंबर का एलसीएम निकालना है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास गिवेन नंबर है, स्टार्टिंग में जो गिवेन नंबर्स है, और वैसे नंबर्स जिसमें कहीं ना कहीं वर्क डन हो रहा है, एलसीएम ऑफ गिवेन नंबर्स, या फिर टोटल वर्क हम उससे निकालेंगे जिस नंबर से वर्क डन हो रहा है। जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन में बात करूं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, इसका मतलब है कि ए जो है वो 30 दिनों में काम को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, और बी जो है इस वर्क को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। मतलब हमें एलसीएम उस नंबर से फाइंड करना है जहां से वर्क कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो जगह वर्क कंप्लीट हो रहा है, 30 और 20 से। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम ये देखते हैं कि ए जो है वो 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो इसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो अगर हम ये देखें कि दोनों का एलसीएम फाइंड कर ले, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, दोनों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 60 हमारा टोटल वर्क है। अगर 60 टोटल वर्क है तो आप यहाँ से इफिशियंसी भी फाइंड कर सकते हो कि दोनों का काम करने का क्षमता क्या होगा, इफिशियंसी। अगर ए जो है वो 30 डेज में 60 वर्क को कंप्लीट करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वन डे में कितना वर्क करेगा, तो अगर हम डिवाइड कर ले तो ए का कितना आएगा, 2 आएगा, और अगर बी जो है वो 20 डेज में 60 वर्क कंप्लीट करेगा तो इसका कितना आएगा, इफिशियंसी 3 आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 5, लेकिन दोनों को मिल के काम कितना करना है, टोटल 60। तो हमें कितने डेज लगेंगे, तो 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें कितने डेज लगेंगे, 12 डेज। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 डेज में हमारा ये वर्क क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अगर दोनों मिलकर करते हैं तो। तो इसमें मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखा है कि हम जो ये एलसीएम फाइंड करते हैं वो क्यों करते हैं और ये टोटल वर्क क्यों बन जाता है, बिकॉज ये बेसिक प्रोसेस यहीं से आया है। और दूसरी बात, हर एक क्वेश्चन में हमें जो है वो नंबर का एलसीएम किसका लेना है,
वैसे नंबर्स का एलसीएम लेना है जहां पे वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है। अगर ऐसा होता कि ए जो है वो काम करने आता और 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता, तो हम उस 5 को एलसीएम में काउंट नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वो 5 डेज जो है वो उस 5 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमें ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना है जिससे कि वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 20 एंड 30 डेज। मतलब ए जो है वो अगर अकेले वर्क को करेगा तो वो 12 डेज में कंप्लीट करेगा, बी जो है वो 20 डेज में करेगा और सी जो है वो 30 डेज में करेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग गिवेन नंबर्स है और उस तीनों नंबर में हम देख रहे हैं कि ए बी सी जो है वो वर्क को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं तीनों के एलसीएम से। जैसा कि अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि ए जो है वो कितने डेज में कंप्लीट करता है, 12 डेज में। अगर हम बी की बात करें तो बी जो है इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। और अगर सी जो है वो सी इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 30 डेज में। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं तीनों के एलसीएम से, गिवन नंबर का एलसीएम फाइंड करके। अगर हम एलसीएम फाइंड कर लें 12, 20 और 30, तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा, 60। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 यूनिट है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अब जो है वो ए का एफिशियंसी बता सकते हैं कि ए अगर अकेले वर्क को कंप्लीट करता है तो ये 12 डेज में 60 यूनिट वर्क कर सकता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में ये इसका वर्क कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अगर बी की बात करें तो बी 20 डेज में 60 वर्क कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स 1 डे में ये कितना काम करेगा, तो ये एक दिनों में 3 करेगा। और सी जो है वो 30 डेज में अगर 60 वर्क कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, तो 1 डे में 2 करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी सभी मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं एक दिन में सभी मिलाकर कितना, 5, 3, 8 और 2, 10 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं। तो अगर सभी मिल जाए तो 60 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, हम ये देख रहे हैं कि 10 यूनिट वर्क 1 डे में करता है, तो हम 10 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 डेज में यह वर्क क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर तीनों मिलके इस वर्क को कंप्लीट करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा, मात्र 6 दिन में ये वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इससे भी ज़्यादा काफ़ी ट्विस्टेड होगा। ये तो हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन था इस फॉर्मेट को समझने के लिए कि आखिर हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और हमें किस टाइप के नंबर्स का एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आता है कि एलसीएम किस नंबर का लेना है। इसलिए मैं बार बार अगेन कह रहा हूँ कि हमें वैसे गिवन नंबर्स का एलसीएम लेना होता है जिसमें वर्क क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। किसी भी ऐसे नंबर्स का एलसीएम नहीं लेना है जिसमें कोई काम लेफ्ट कर चुका है या फिर आफ्टर कुछ दिनों के बाद ज्वाइन किया है। जब तक कोई भी टाइमिंग, कोई भी इंसान स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेगा, उस वर्क को फिनिश करेगा, उसे ही, उसी नंबर को हम एलसीएम में काउंट करेंगे। जैसा कि हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर की क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन हमारा। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है। कहता है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो किसी वर्क को अकेले 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। लेकिन अगर ए और बी मिल जाए तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 8 डेज में। कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए अकेले 12 दिनों में काम कर सकता है, लेकिन ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो सेम वर्क जो है वो 8 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, कि अगर बी अकेले काम करेगा तो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इसमें। अगर हम ये देखते हैं कि ए अकेले इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में। मैंने क्या बोला कि एलसीएम किस नंबर्स के लेने हैं जिसमें वर्क डन हो रहा है। ए जो है वो 12 डेज में कर रहा है, ए और बी जो है ये दोनों मिल जाते हैं, तब कह रहा है कि ये वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है, 8 डेज में। इसने भी वर्क कंप्लीट किया, दोनों ने मिलके भी वर्क कंप्लीट किया, दैट मीन्स हम टोटल वर्क में दोनों का एलसीएम रख सकते हैं।
तो टोटल वर्क अगर हम फाइंड करते हैं 12 और 8, तो एलसीएम कितना आएगा 12 और 8 का 24। तो अब हम इफिशियंसी बता सकते हैं कि ए का जो है वो इफिशियंसी क्या होगा। ए का इफिशियंसी क्या होगा, अगर ये 12 डेज में 24 यूनिट वर्क करेगा तो एक दिन में ये कितना करेगा, 2 यूनिट वर्क करेगा। ए और बी अगर 8 डेज में 24 यूनिट वर्क कंप्लीट करते हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। अब जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ए अकेले जो है वो 2 यूनिट काम करता है और ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि बी अकेले जो है वो एक दिन में 1 यूनिट करता होगा। तभी तो ए 2 और बी 1, 2+1, दैट मीन्स ए प्लस बी कितना हुआ होगा, 3 होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी में से हम ए माइनस कर लेते हैं, 3-2, तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाता, 1 आ जाता है। इसका मतलब बी 1 डे में 1 वर्क करेगा तो 24 वर्क करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 24 डेज होगा, और यही 24 डेज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो देखिए क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है प्रीवियस क्वेश्चन से और ये काफी स्मार्ट क्वेश्चन है। इसके 2 तरीके हैं बनाने के, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ कि क्वेश्चन को कौन सा तरीके से बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा कंफर्ट रहेगा और हमें कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए जो है वो किसी काम को अगर अकेले करता है तो वो 16 दिनों में फिनिश कर देगा, और कहता है कि बी कैन 20, बी जो है वो 20 दिनों में इसे कंप्लीट करेगा। इफ दे टुगेदर वर्क इन इट फॉर 8 डेज, अगर वो दोनों मिलकर इसमें 8 दिन तक काम करते हैं तो हमसे पूछ रहा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कि हम काम का कितना पार्ट बचा हुआ है ये बताना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कहता है ए जो है वो 16 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो 20 दिनों में कर सकता है। मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीकों से बताऊंगा और आखिर क्या होगा हमारा दोनों का स्मार्ट सॉल्यूशन वो देखते हैं। दोनों अपने आप में स्मार्ट है, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हैं। तो हमारे पास तरीका क्या है क्वेश्चन बनाने का, जैसे कि मैंने देखा कि ए जो है वो 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है, 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है। एक तो हमारे पास ये तरीका होगा जिसे कि मैं बना रहा था, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं, और अगर टोटल वर्क फाइंड कर ले तो टोटल वर्क देखेंगे कि 16 और 20 का एलसीएम कितना मिलेगा हमें, 80 मिलेगा। तो हम अब इफिशियंसी निकाल सकते हैं कि ए का इफिशियंसी क्या होगा, अगर ये 16 डेज में 80 वर्क कंप्लीट करता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 डे में ये कितना करेगा, 1 डे में ये 5 यूनिट वर्क करेगा। और बी जो है वो 20 डेज में अगर 80 वर्क कंप्लीट करता है तो 1 डे में इसका कितना आएगा, 4 यूनिट वर्क आएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो दोनों मिलकर एक दिन में 1 डे में ये कितना वर्क कंप्लीट करते हैं, तो दोनों मिला के 5 और 4 9, एक दिन में 9 यूनिट का वर्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन कह रहा है इफ दे टुगेदर वर्क इन इट फॉर 8 डेज, अगर दोनों मिलकर इसमें 8 दिन तक काम करते हैं, अगर दोनों मिलकर इसमें 8 दिन तक करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में ये 9 यूनिट वर्क करते हैं, तो अगर 8 डेज करेंगे तो ये कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये 72 यूनिट वर्क जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 72 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, जो हमारे पास काम बचा हुआ है हमें उसका फ्रैक्शन बताना है। तो हम देख रहे हैं कि 72 वर्क 8 डेज में कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर 72 कंप्लीट हो गया है तो बचा कितना है, 8, और हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 80। तो आप कह सकते हैं फ्रैक्शन में 8/80, दैट मीन्स क्या आएगा, 1/10, और यही वर्क हमारे पास बचा हुआ है क्योंकि 72 डन हो चुका था। अगर ये बोलता कि डन कितना हुआ है तो हम क्या करते, 72/80 ही कर लेते और वही हमारा आंसर हो जाता। एक तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, मैंने अभी बताया कि इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, और दूसरा हमारा इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले दिन ही अभी भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि ए अगर किसी वर्क को एक्स डेज में करता है तो 1 डे में ये कितना करेगा, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/x पार्ट करेगा। बस इसी लॉजिक को यूज करके इस क्वेश्चन को बना लेंगे हम। तो अगर ए एक्स डेज में कंप्लीट करेगा तो 1 डे में 1/x होगा,
तो आप जैसा देख रहे हैं कि ए किसी वर्क को 16 डेज में और बी जो है वो 20 डेज में करता है और दोनों 8 डेज वर्क करते हैं। हम एक चीज कह रहे थे, वन डे में अगर ये 1/x पार्ट करता है तो ये 5 डेज में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे कितना होगा, 5/x पार्ट होगा। अगर 3 डेज की बात करते तो क्या होता, 3/x होता। मतलब ए अगर किसी काम को 10 दिन में करेगा तो 1 डे में कितना होगा, 1/10, 2 डेज में कितना होगा, 2/10, 5 डेज में कितना होगा, 5/10। तो यही चीजें हमें यहाँ करना है कि ए जो है वो 16 डेज में कर रहा था, मतलब दोनों मिलके 8 दिन काम करता है, मतलब ए भी 8 दिन काम करता है और बी भी 8 दिन काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में कितना करता है, तो 1/16, लेकिन 8 दिनों तक ए काम किया है, 8 डेज तक, तो हम कह सकते हैं ए का वर्क डन कितना हुआ होगा, 8/16। अब अगर हम बी की बात करते हैं तो बी भी तो 8 दिन ही काम किया है क्योंकि दोनों मिलकर 8 दिन काम किए थे, तो ए का 8/16 हो गया, तो बी का क्या होगा, बी का भी 8 दिन का ही काम होगा। अब बी जो है वो अकेले इस काम को 20 डेज में कर सकता था, तो एक दिन में क्या होता, 1/20, दैट मीन्स 8 डेज में क्या होगा, 8/20। और अगर इसे हम फ्रैक्शन बना लें और फ्रैक्शन बना के अगर सॉल्व कर ले तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इसमें ये आ जाएगा 1/2 और ये क्या आ गया, 2/5। अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो नीचे क्या आ जाएगा, 10/5 और 2 × 2 = 4, 9/10। इसका मतलब अगर ये भी 8 डेज काम करे और ये भी 8 डेज काम करेगा तो 9/10 वर्क क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हमसे पूछा है कि जो वर्क बचा है वो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि 10 में से 9 पार्ट हो चुका है, तो 10 में से 9 माइनस कर लेते हैं, मतलब बचेगा कितना, 1, और कितना में से, 10 में से 1/10 पार्ट जो है वो क्या हो गया, बच गया। तो ये भी काफी स्मार्ट तरीका है कि मैंने कुछ नहीं किया, 8 डेज ए भी काम किया, 8 डेज बी भी किया, तो 8/16, 8/20 मैंने दोनों को ऐड किया, तो 9/10 हमारा जो है वो पार्ट कंप्लीट हुआ है। 10 में से 9 पार्ट कंप्लीट हुआ तो 10 में से 1 पार्ट बच गया होगा, दैट मीन्स 1/10 पार्ट वर्क हमारा लेफ्ट है, और यही पूछ रहा था, इसी क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन डी में है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए कैन डू 1/5 वर्क इन 5 डेज। ए जो है 1/5 वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है, 5 डेज में कर सकता है, ठीक है। और फिर कहता है बी कैन डू 1/6 ऑफ सेम वर्क, सेम वर्क ही है लेकिन ये भी कितना, 5 डेज में ही कर रहा है। कह रहा है दे वर्क टुगेदर इन इट फॉर 5 डेज, और दोनों मिलकर 5 दिन ही काम करते हैं, देन द पार्ट ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। तो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो काम का कितना पार्ट बच जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 17 या 18 में सीजीएल में पूछा हुआ है, सीजीएल प्री के एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसा कि हमारे पास गिवन है, कहता है क्वेश्चन में कि ए जो है 1/5 पार्ट कितने दिनों में करता है, 5 डेज में करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए